वेलकम टू माय चैनल गाइस। गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसमें सर्च फंक्शनैलिटी कैसे ऐड करते हैं इस प्रोजेक्ट में, ओके नेक्स्ट जेएस में। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो से बने रहें एंड वीडियो को लाइक करना ना बोले। ओके तो हम आज की वीडियो में देखेंगे कि इसमें हम कंप्लीट सर्च फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। अगर हम कुछ भी कीवर्ड यहाँ पर ऐड करेंगे ना, एंड हम सर्च करेंगे एंड यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कैटेगरी कर लेंगे, तो उसी के अंदर ही हमारा ये सर्च होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डेमो भी दिया था। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके इसको चेकआउट जरूर करें। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस में अपलोड की हुई है, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ इसको अपलोड भी करता जा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। एंड प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। एंड अगर आपने मेरी ये तो हम नेक्स्ट जीएस में बना रहे हैं, ठीक है। बट हमने इसी प्रोजेक्ट को पहले रिएक्ट जीएस में बनाया था। देखिए ये वाली प्लेलिस्ट, ओके इसको जाके चेकआउट करना ना भूलें, क्योंकि इसमें आपको ना कंप्लीटली इसका फ्रंट एंड और डेवलपमेंट कैसे हमने किया था वो सीखने को इसमें मिलने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। कि हमने कैसे इसकी ड्रॉपडाउन बनाई थी, सब कस्टम बनाया था, ओके ये सारा कुछ, ओके ये ड्रॉपडाउन मेनू कैसे बनाई थी, ये कम्प्लीटली नेविगेशन कैसे बनाई थी और सबसे, ओके ये स्लाइडर कैसे बनाया था हमने, कंप्लीटली इसका फ्रंट एंड कैसे बनाया था हमने फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आपको इस प्लेलिस्ट में कम्प्लीटली मिलने वाला है, ठीक है ना। इसमें हमने यूजर ऑथेंटिकेशन भी करवाया था, ओके फ्रेंड्स, एंड ऐड टू कार्ट वगैरह सब करवाया था। तो प्लीज इस प्लेलिस्ट को जाकर चेकआउट करना ना भूले, ये कम्प्लीटली रिएक्ट में है, ओके। एंड हम इसी प्लेलिस्ट को नेक्स्ट जेएस में अब कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने मेरी ये वाली प्लेलिस्ट देख ली ऑलरेडी तो प्लीज आप ये वाली चेकआउट कर सकते हैं, ओके। अगर आप रिएक्ट में मास्टर हैं तो आप इसको डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बट मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये कोड तो हमारा फ्रंट एंड का बना हुआ है, रिएक्ट का कोड भी बना हुआ है हमारा, तो हम मोस्टली कोड इसी का ही यूज कर रहे हैं। जो जो नेक्स्ट जेएस में हमको रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से हम इसमें यूज करते हुए जा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। एंड आज की वीडियो में हम इसका सर्च फंक्शनैलिटी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने इसका ना लिस्टिंग पेज बनाया था फ्रेंड्स, ठीक है ना। जैसे कि मैं देखिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्लिक किया मैंने, ये सारे प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के आ गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से आप इसका देखिए कम्प्लीटली ये फिल्टर भी कर सकते हो, देखिए प्राइस फिल्टर है पूरा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा पेज कम्प्लीट था, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। एंड हमने ये वाला कैटेगरी का कंप्लीट कर लिया था हमने फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो अगर आपने मेरी ये वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट जरूर जाके करें, सीखने को आपको बहुत कुछ मिलने वाला है नेक्स्ट जीएस में, ठीक है। देखिए मैंने लास्ट वीडियो कल ही अपलोड करी है, देखिए ठीक है ना। ये लिस्टिंग पेज मैंने कंप्लीट बताया वो कि कैसे मैंने लिस्टिंग पेज को बनाया था नेक्स्ट जीएस में, ठीक है फ्रेंड्स। एंड हम इसमें ना स्ट्राइपी एडमिन भी स्ट्राइपी एडमिन यूज कर रहे हैं। यहाँ से हम प्रोडक्ट अपना ऐड करते हैं फ्रेंड्स, देखिए ये सारे मैंने प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड कर रखे हैं, ठीक है। मैं चाहूँ तो आपको एक और प्रोडक्ट ऐड करके मैं दिखा सकता हूँ, देखिए मैं यहां से प्रोडक्ट ले रहा हूँ सारे, ओके। जैसे मैं फैशन में एक ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं पहले एक सब कैटेगरी ऐड करूंगा यहाँ पर, देखो मैन की है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा वुमेन, वुमेन वियर के नाम से, ओके। कैटेगरी क्या है इसकी, फैशन, ओके। एंड इसको प्रोडक्ट को छोड़ दो अभी, ठीक है ना, क्योंकि ये तो अपने आप ही लेगा। ये कैटेगरी हम सब कैटेगरी ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, कोई इशू नहीं है। हमने इसको फैशन है, वुमन वियर प्रोडक्ट, ठीक है, सेव कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। एंड मैं यहाँ पर अगर मैं देखिए रिफ्रेश करूंगा ना, अभी फैशन के अंदर ये भी हमारा ऐड हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए फैशन का वुमन वियर भी आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड हम वुमन वियर के अंदर कोई प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे हम ये वाला ऐड करके बताता हूँ मैं आपको, एक मिनट। जैसे कि हमारा ये प्रोडक्ट है, मैं इसको न्यू प्रोडक्ट ऐड करूंगा, ठीक है। इसका नेम, इसका प्राइस मैं रख दूंगा, कुछ भी रख दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। एंड इसका एंड रेटिंग इसकी 5 दे देंगे, एंड डिस्क्रिप्शन इसका होगा यहाँ कहीं, तो हम अभी कोई भी ले लेंगे डमी, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास डमी डिस्क्रिप्शन है इसका, ठीक है ना, किसी का भी डमी डिस्क्रिप्शन ले लूंगा जरा, ठीक है ना। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। एंड डिस्काउंट इसका अब रखेंगे 15। इसकी कैटेगरी क्या होगी हमारी, फैशन। एंड सब कैटेगरी क्या होगी हमारी, वुमेन वाली, कहाँ गई, वुमेन वियर, ओके फ्रेंड्स। एंड अब रह गया इमेजेस हमारी, तो मैं क्या करूंगा, इमेजेस वाले फोल्डर में जाऊंगा, ये प्रोडक्ट में जाऊंगा, ठीक है। यहाँ सारी हमारी इमेजेस हैं, तो मैं इसको एक एक करके सेव कर लूंगा। देखिए यहाँ पर ये ना रिसाइज में देता है, तो हमको रिसाइज नहीं चाहिए, ठीक है ना, हमको कम्प्लीटली इसका वो चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, इसको पहले सेव करूंगा
इस वाली में पहले सेव कर लूंगा, एक मैंने ये सेव कर लिया एंड सेकंड मैं ये सेव कर लूंगा, सेकंड मैंने ये सेव कर लिया एंड एक और कर लूँ। ये इमेजेस जो भी है ना अच्छी लगेंगी हमको, तो हमने कम्प्लीटली इसको सेव कर लेंगे, ये 3 ये 4 ठीक है ना, ये सारी हम अपलोड कर देंगे फिर जाके। ये हमारी मैं जाता हूँ, ये कितनी साइज की आ रही है देखो जरा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक इश्यू है, पता क्या है, हम जो भी ऐड ऐड कर रहे हैं ना वो रिसाइज में आ रही है। जैसे मैं सेकंड वाली लूंगा देखिए, तो हमको एंड से ना पहले ये हटाना पड़ेगा। अब ये कम्प्लीटली फुल साइज में है, हमको फुल साइज वाली चाहिए इमेज कि हमारी जूम अच्छे से हो सके वहां पर ना। आप भी प्रोडक्ट यहीं से ले लेना, अभी मैं तो यहीं से ले रहा हूँ क्योंकि तो सारी इमेज यहाँ पर ना मिल रही है मुझे ना, इसलिए मैं एक प्रोडक्ट यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। देखिए कंप्लीट साइज की मिल रही है मुझे, ये मैंने सारी सेव कर दिया। अब मैं यहाँ जाऊंगा, इसको अपलोड करूंगा फ्रेंड्स एड मोर, इसको सारी जो हमने प्रोडक्ट ये इमेजेस ऐड करी है ना इनको यहाँ पर मैं ड्रैग कर दूँ ठीक है ना। अपलोड करा एंड फिनिश, ओके मैं इसको सेव कर दूंगा एंड पब्लिश। अब देखिए मैं होम पेज में जाऊंगा, मैं रिफ्रेश कर दूंगा ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए वुमन वियर आ गया, मैं इस पे क्लिक करूंगा, वुमन वियर में एक आ चुका है देखिए। तो ये कम्प्लीटली हमारा डायनेमिक चल रही है एंड मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं वुमन वियर भी आ गया देखिए, यहाँ पर वुमन वियर पे क्लिक करूंगा, एक मिनट मैन पे आ गया, वो इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ही यहाँ पर भी आ चुका है कंप्लीट ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स चलिए एंड अब हम इसका सर्च फंक्शनैलिटी इसकी स्टार्ट करते हैं कि हम यहाँ पर कुछ भी कीवर्ड से हम सर्च कर सकते हैं फ्रेंड्स ठीक है ना। चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं एंड एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ओके, एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स ठीक है ना, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एंड इस पे आते हैं। तो सबसे पहले हमको अपने हेडर पे काम करना है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ कीवर्ड डालेंगे ना, जैसे डाला एप्पल एंड यहाँ पर सर्च करेंगे ठीक है ना फ्रेंड्स। तो पहले हमको ना हेडर पे अपना काम करना पड़ेगा। देखिए हम हेडर पे पहले काम करते हैं, हेडर को मैंने ओपन कर लिया ये रहा ठीक है। तो सबसे पहले हमको एक ना स्टेट चाहिए होगी, यहाँ पर मैं अपनी स्टेट बना लूंगा, कॉन्स्ट हेडर इनपुट, हेडर इनपुट वैल्यू, यानी कि हम इस पर जो सर्च करेंगे ठीक है ना, सेट हेडर इनपुट वैल्यू यू स्टेट ओके, इसको हम छोड़ देते हैं। ओके फ्रेंड्स इसमें कोई भी इशू नहीं है, एक तो हमको ये चाहिए ठीक है फ्रेंड्स एंड हमको एक ये चाहिए जो हम इस पर सिलेक्ट करेंगे ठीक है ना। ओके एक मिनट, ये हमारा अच्छा यहाँ यहाँ पर वो सही है, कोई इशू तो ये आ गया एंड हमको चाहिए दूसरी सर्च सिलेक्ट कैटेगरी वैल्यू ओके, यानी कि इसकी वैल्यू चाहिए हमें ठीक है ना। तो मैंने इस नाम से रख दिया सेट, मैंने इस नाम से रख दिया यूज स्टेट ओके फ्रेंड्स ठीक है ना। एंड सबसे पहले मैं इसमें क्या करूंगा, डिफॉल्ट वैल्यू ना डिफॉल्ट वैल्यू रखो या हम रखते ही नहीं है ठीक है फ्रेंड्स, कोई इशू नहीं है। हमने दो चीज तो ये कर लिया ठीक है ना, अब आते हैं हम नीचे, हमारा इनपुट ये रहा ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हमको एक ऑन चेंज बनाना है ठीक है फ्रेंड्स एंड हम ऑन चेंज पे क्या करेंगे, यहीं पे ऐड कर देंगे A1 डॉट एंड यहां पर करेंगे सेट एड इनपुट वैल्यू ओके, इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हमने यही कर दिया ठीक है फ्रेंड्स, ये कर लिया हमने, कोई इशू नहीं है ठीक है। एंड ये हो गया हमारा ठीक है ना, इसकी वैल्यू तो हमको चाहे हम इसका ना फंक्शन भी बना सकते हैं ऊपर ठीक है फ्रेंड्स। हाँ हम इसका फंक्शन ही बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमको ना और कंडीशन भी हमको यूज करनी पड़ेगी ना, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं ऑन चेंज सर्च इनपुट ओके, हमने ये फंक्शन बनाया और ऊपर जाएंगे
ठीक है ना, कॉन्स्ट, ठीक है, हमने ये करा। यहां पर देंगे हम इवेंट, और जो हमने यहां पर सेट, यहां पर हम कर देंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, यहां पर तो हमारा ये जैसे जैसे हम चेंज करेंगे इसकी इनपुट वैल्यू वो चेंज होती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। एंड जो ये वैल्यू आई है ना हमारे पास, ये वाली जो वैल्यू आई है इसके अंदर ऐड कर देंगे। ओके क्लियर है, इतना तो आप आपको क्लियर होगा दोस्तों, ठीक है ना। अब हम आगे का काम करते हैं। देखिए ये तो हमारा मिल रहा है कंप्लीट, ठीक है ना। अब हमको ना इसकी वैल्यू चाहिए, कि हमको वैल्यू चाहिए ना इसकी, तो हम इसमें जाएंगे सिलेक्ट में, ठीक है ना। एंड जहां पर ये हो रहा है ना, जहां पर ये हो रहा है, इसकी वैल्यू हमको ना कहीं सेव करानी पड़ेगी। देखिए मैं अगर यहाँ पर अलर्ट कराऊंगा, नेम अलर्ट कराता हूँ मैं, तो देखिए ग्रोसरी, ठीक है ना। तो ये हमको सेव करानी है, लेकिन ये तो अलग कंपोनेंट में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ना यहां पर बनाएंगे इसकी स्टेट, यहां पर बना लेंगे इसकी, ठीक है ना। कॉन्स्ट हेडर सर्च, सर्च कैटेगरी लिस्ट वैल्यू, ओके इस टाइप से हम कर लेंगे, हमने ये कर लिया। ओके स्टेट इसको ब्लैंक, जब ब्लैंक रखो जब ऐसा रखो, ठीक है ना। अब हम देखिए क्या करेंगे, नीचे आएंगे, इसको यहां पर पास कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसको सेट को पास कर दिया, एंड इसके बाद हमने दोनों को हम पास कर देंगे, ठीक है ना। हमने दोनों ये पास करा, एंड हम जब यहां पर जाएंगे, जैसे हमने इसको किया ना, या कॉन्टेक्स्ट तो सेव है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट जो हमने ये सेट किया है, ये इसकी सेट स्टेट हम यहां कर देंगे बस, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए सिलेक्ट तो यहां पे हो रही है, सेव कराया हमने इसके अंदर, ठीक है ना। इसको चेक करने के लिए कि हमारी वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही, तो हम एक काम करते हैं, यूज इफेक्ट हमने यूज किया, ओके, एंड यहां पर ये ऐड कर दिया अलर्ट ये चीज, ठीक है फ्रेंड्स। एंड देखिए अभी ब्लैंक आया, ठीक है एक। अब देखिए मैं अगर क्लिक करूंगा ना, तो ग्रोसरीज, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी उसमें अलर्ट हो रही है। तो आप हमने क्या किया, सिलेक्ट तो यहां से किया, एंड इसकी वैल्यू हमने पेरेंट में जो प्रोवाइडर है वहां पर इसकी ऐड कर ली, इसमें स्टेट बना के, ठीक है ना। एंड यहां से हम यहां पे ऐड कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए हमको यहां भी बनानी पड़ेगी, अच्छा एक मिनट, यहां बनाने की कोई हमको अब जरूरत है भी नहीं, ठीक है ना, इसकी तो जरूरत है भी नहीं। तो एक काम तो ये हो गया, एक देखिए एक काम तो ये हमारा फिनिश हो गया, एक काम हमारा ये फिनिश हो गया, इसकी वैल्यू भी मिल रही है हमको, ठीक है ना। अब इस पर क्लिक करने के बाद हमको क्या होता है, हम आएंगे इनपुट ऑन क्लिक सर्च की वर्ड नाम से, हमने एक फंक्शन बना दिया सर्च की वर्ड नाम से, ठीक है ना। एंड हम ऊपर आएंगे यहां पर, सॉरी कहां गया, हम इसका नाम रखेंगे सर्च फन, यानी कि सर्च फंक्शन के नाम से, ठीक है ना फ्रेंड्स। मैं आऊंगा यहां पर कौन सर्च फन, अब देखिए यहां पर काम, ठीक है ना। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया सर्च फन, उस पे सर्च आइकन पे, तो हमारा सर्चिंग होना चाहिए, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसके क्लिक पर दोनों वैल्यू को अलर्ट करा लेंगे, कि कंसोल डॉट लॉक कराऊंगा, देखिए मैं यहां से, ठीक है ना, कॉन्टेक्स्ट डॉट हेडर क्या नाम था, ये रहा, ठीक है ना, कॉन्टेक्स्ट डॉट, ये तो हमारा एक एक दोनों वैल्यू मिली थी ना हमको, एंड सर्च इनपुट वैल्यू, एंड सर्च इनपुट वैल्यू यहां मिलेगा हमको, सर्च इनपुट, ठीक है, सर्च इनपुट नाम से है क्या, सर्च हेडर इनपुट वैल्यू है,
सर्च इनपुट वैल्यू रखना चाहिए था इसका नाम, है ना, सर्च इनपुट वैल्यू, ठीक है ना। एंड यहाँ पर जाके हमने जो है उन चेंज में काम किया है, दिखाता हूँ आपको उन चेंज में, ये रहा, ठीक है फ्रेंड्स। अब नाम सही है इसका, तो सर्च इनपुट वैल्यू यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए दोस्तों ये क्या बोल रहा है, इनपुट वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, अच्छा ये यहाँ पर है, ये रहा, यहाँ पर सर्च इनपुट वैल्यू आ गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। ऊपर जाएंगे दोबारा यहाँ पर, अब देखिए मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा, मैं कंसोल में जाऊंगा, ठीक है ना, मैंने सिलेक्ट कर लिया, एक मिनट थोड़ा नीचे आऊंगा, ठीक है ना, कंसोल जाऊंगा, मैंने सिलेक्ट किया फैशन, एंड मैंने यहाँ पर वुमेन, ठीक है ना, फैशन वुमेन, एंड मैं जब सेव करूंगा ना, अच्छा ये पता क्या हुआ है, मैं आपको आपको बताता हूँ क्या हुआ है। अब देखिए मैं इसको हटाऊंगा नहीं, मैंने सर्च किया फैशन एंड वुमेन, क्या हुआ, आया कि नहीं, आ तो गया, अच्छा देखिए ये तो आ गया, ये नहीं आया सर्च इनपुट वैल्यू, है ना, सर्च इनपुट, अच्छा वी ए, ओके स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, वी आ देखो स्पेलिंग मिस्टेक है ना, सर्च इनपुट वैल्यू एंड सेट सर्च इनपुट वैल्यू यहाँ पर है, ये क्या हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक है, वी ए एल यू ई, ठीक है ना, यहाँ पर भी हम ऑन चेंज पर कर देंगे इसको, यहाँ पर, ठीक है ना, एंड यहाँ पर भी है, देखिए सर्च इनपुट वैल्यू, सर्च इनपुट वैल्यू, अब चेक करते हैं एक बार क्या बोल रहा है, इट्स नॉट डिफाइंड, ये कहां पर है, देखिए ये रहा सर्च इनपुट वैल्यू, ओके अब चेक करते हैं एक बार हम, अब हम सर्च करते हैं फैशन वुमेन, ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, ये तो मिल रहा है हमको, लेकिन ये सर्च इनपुट वैल्यू नहीं मिल रही हमको ना, तो हम ये यहां पर दिक्कत है, देखिए यहाँ पर कंसोल डॉट लॉक कराते हैं, इवन टू टारगेट डॉट वैल्यू, ओके तो मैं अगर, अच्छा स्पेलिंग देखिए ये तो मिल रही है हमको, वैल्यू तो मिल रही है हमको, एंड हमने यहाँ पर इसको सेट भी करा दिया, कि यही है क्या, यही है, ना, तो वैल्यू क्यों नहीं ले रहा, अनडिफाइंड क्यों बता रहा है, एक बार दोबारा चेक करते हैं, मैं अगर मैंने देखिए सारा आ रहा है, मैंने सेव किया, अब आ रहा है, देखिए क्यों, मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, एंड मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, ठीक है ना, मैंने फैशन किया वुमेन एंड सेव किया, दोबारा सेव करूँ, अब अच्छा अब क्यों आ गया ये, देखिए मैं अगर दोबारा आता हूं, ओके ये कभी चल रहा कभी नहीं चल रहा, क्यों, अच्छा मैंने बार बार क्लिक किया इस पे, एक मिनट यहां ले लेता हूं उसको,
यहाँ तो आएगा ही नहीं। ये पता क्या है? ओके ऑन चेंज। एक काम करते हैं दोस्तों, ये करते हैं काम। देखिए मैं दोबारा करता हूं, एक मिनट फ्रेंड्स। को ये स्टार्ट हो रहा है, ये सर्वर बंद हो गया था हमारा, ये रन हो चुका है। देखिए अब हम इसको रन करते हैं, दोबारा इसको रन करते हैं। ये क्या हुआ? ठीक है, ये रन हो गया हमारा, रिफ्रेश किया हमारा। ठीक है, तुम दोबारा चेक करेंगे फैशन वुमेन। एक मिनट, यहां पर ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अलर्ट, मैं इसको जरा अलर्ट कराता हूं एक बार। क्लिकेबल नहीं हो रहा यानी। अच्छा ये बहुत देर में हो रहा है। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ 10। मैंने तिवारी इसको क्लिक कर लिया, समझे ना इस। देख एक मिनट, ये क्या हो रहा है? लेकिन मगर इन ओ हो फ्रेंड्स, ये पता क्या हुआ है? आई थिंक मैंने इस पे ऑन क्लिक कर दिया जबकि हमको इस आइकन ऑन क्लिक करना था। ओके तो देखिए अब मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, कोडिंग में गलतियाँ तो होती ही हैं जल्दबाजी में। खैर मैंने फैशन पे आया, वुमेन वो सर्च किया एंड वुमेन हमारा आ गया। ठीक है ना, एंड ये चीज़ हमारा कहाँ पे था? हेडर में आएंगे एंड जो हमारा सर्च था ना, देखिए हमने इससे भी कर लिया काम। जो रैप बनाया था ना हमने सर्च इनपुट का, जो रैप बनाया था हमने, हम वहां से भी इसकी वैल्यू पिक कर सकते हैं। ठीक है ना, एंड हमने फिर इसको ऑन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बट हमने क्या किया, देखिए यहां से हमने, एक मिनट, यहां से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कि इनपुट, देखो इनपुट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, आपने तो इस तरह से सीखा होगा ना। अब देखिए मैं इसको टाइप दूंगा अलर्ट को ना। देखिए मैंने रिफ्रेश किया एंड अब हम देखिए प्रॉपर तरीके सर्च करेंगे फैशन एंड वुमेन। देखिए ये क्या हुआ, ई इज नॉट डिफाइंड। अच्छा यहाँ पर ओके 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 यहाँ पर वो आएगा सर्च इनपुट वैल्यू। ओके मैं दोबारा करूंगा, देखिए अब आ रहा है प्रॉपर तरीके से ना। मैं करूंगा वियर, तो ये वुमेन वियर, अब ये प्रॉपर तरीके से हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर जाके ना, हमको दोस्तों ये हमको फिर एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कोड बनाया हुआ है। ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे होगा। ठीक है ना, देखिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर
एक लेंगे, ठीक है ना ये। ओके एक एक करके मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। अब मैं चेक करूंगा इफ ये जो हमारी वैल्यू थी ना सिलेक्टेड वाली, ये जो हमने लिया था, मैं आपको बताता हूँ, इसको यहां से हटा दो, ठीक है ना। एंड हमने ये थीम पर इसकी एरर क्यों दे रहा है, रेड एरर क्यों हो गया, अच्छा इसकी वजह से रेड, ठीक है ना। यहाँ पर जाएंगे थीम प्रोवाइडर में, हेडर कैटेगरी सर्च लिस्ट वैल्यू, ठीक है ना, इसको चेक करेंगे। इफ नॉट इक्वल टू वाला ब्लैंक एंड एंड यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट आएगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट, ठीक है ना, एंड एंड कॉन्टेक्स्ट डॉट बराबर ऑल कैटेगरीज, ये कंडीशन आपको लगानी है। देखिए जैसे कि मैंने यहां पर लगा रखा है, ठीक है ना, सिम्पसन, मतलब इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स बता तुम आपको, इसका मतलब ये है अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया ना तो ये इन तीन कैटेगरी के अंदर सिलेक्ट होगा, अगर मैंने इसको नहीं सिलेक्ट किया तो ये सबके अंदर से सिलेक्ट कर लेगा, सर्च कर लेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये मैंने कंडीशन इसलिए लगाई है कि अगर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया ना, अगर मैंने वो ड्रॉप डाउन में कुछ सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना, तो वो उसके अंदर से सर्च करेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये पेरेंट्स, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर ये भेजेगा एपीआई। अब एपीआई कॉल देखिए कैसे फिल्टर होगा, यहाँ पर एपीआई में प्रोडक्ट्स, सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, पॉपुलर इज इक्वल टू ऑल करेंगे एंड इसमें फिल्टर लगाएंगे जिसका कैटेगरी टाइटल होगा ये वाला, समझे। अगर मैंने वुमेन सर्च किया तो कैटेगरी का टाइटल होगा वुमेन, ठीक है, एंड फिल्टर्स में नेम, फिर और सर्च करने के लिए ये आएगा, देखिए फिल्टर्स लगाया दोबारा, फिर उसका नेम, ठीक है ना, कि उस प्रोडक्ट में नेम सर्च होना चाहिए, जैसे मैंने वो मैं जैसे मैंने एप्पल सर्च किया तो यहाँ पर एप्पल आ जाएगा, यहाँ पर एप्पल आ जाएगा, रुको मैं बताता हूँ, सर्च इनपुट वैल्यू, इसमें एप्पल वुमेन जो भी हम कीवर्ड सर्च करेंगे फ्रेंड्स उसमें ये आएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पर कंटेंट्स लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, कि कंटेंट से ये पता लगता है कि इसमें अगर ये वैल्यू है तो, समझे ना। देखिए दोबारा देख लीजिए आप, एपीआई में प्रोडक्ट सारे सर्च करेंगे, सब प्रोडक्ट में, ठीक है ना, मैं फिल्टर करूंगा जिसकी टाइटल जो मैंने सिलेक्ट किया होगा ड्रॉप डाउन से, समझे ना, जैसे मैंने ड्रॉप डाउन से कुछ सिलेक्ट कर लिया ना तो ये वो है, ठीक है ना, एंड उसके अंदर फिल्टर करेंगे उस प्रोडक्ट के अंदर जो भी नाम होगा, जैसे कुछ प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना, जैसे मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है ना, मान लो ये एक प्रोडक्ट है हमारा, इसमें मूंग दाल, अगर यूजर ने मूंग दाल सर्च किया तो इसके अंदर मूंग दाल आएगा एंड यहाँ पर ये कंटेंट्स बड़े का मतलब है, इसको ये सर्च कर लेगा, फाइंड कर लेगा, अच्छा मूंग दाल है तो ये जब भी इसमें एपीआई से रिस्पॉन्स लाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। एंड एल्स में अगर उसने नहीं सिलेक्ट किया है, ठीक है ना, अगर वो ड्रॉप डाउन से कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया उसने, तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऑल फिल्टर नेम बराबर फिल्टर नेम, प्रोडक्ट का नेम है वो, ठीक है ना, कंटेंट्स वो पहले, ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल था। और फिर इसके बाद सेम टू सेम वही वाली चीज, देखिए मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ क्या है। फेच डेटा फ्रॉम एपीआई, हमने ऊपर ये एपीआई में था, ठीक है ना, इसको हमने ऊपर इंपोर्ट, इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको हमने इंपोर्ट ऊपर कर लिया था ये, ठीक है ना, एंड इसको हम यूज कर रहे थे, ठीक है ना, यहाँ से पैरम्स हमने सेंड कर दिए, पैरम्स हमने सेंड कर दिए, ठीक है ना, ये आएगा या फिर ये आएगा पैरम्स, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये सारा डेटा रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है ना, और ये फ्रेंड्स जो भी डेटा आया ना ये तो हमारे हेडर में है, देखिए है ना, हेडर में, और हमारा सर्च का पेज अलग बनेगा, तो हमको ना इस नाम से एक यहाँ पर स्टेट बनानी पड़ेगी, मैं आपको बताता हूँ कौन सर्च डेटा, ठीक है ना, हमने यूज स्टेट बनाया ये होगा, एंड इसको दोनों को नीचे भेज देंगे, ओके क्लियर है, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये कॉन्टेक्स्ट में सेव करा लिया, ठीक है ना, एंड एंड ये भी हमको सेव कराना पड़ेगा, सेट सर्च कीवर्ड सर्च इनपुट वैल्यू, अच्छा ठीक है ना, तो हमने एक इनपुट वैल्यू तो हमने हेडर में बनाया था, लेकिन हमको ये यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा, मैं बता दूंगा क्यों हमने ऐसा किया, ठीक है ना, इसकी भी एक स्टेट बना लो यहाँ पर, सर्च की सर्च डेटा, देखिए जैसे मैंने लिस्ट वैल्यू को बनाया ना ऐसे इसका यहाँ पर सर्च का भी कॉन्टेक्स्ट में होगा,
ओके क्लियर है। देखिए जो रिस्पॉन्स में डेटा आया सर्च करके वो हमने इसको सेव करा लिया कॉन्टेक्स्ट में, और जो इसकी इनपुट वैल्यू थी ना सर्च इनपुट वैल्यू ठीक है ना, वो भी मैंने सेंड करा लिया ठीक है ना। इस पुश का मतलब मैं आपको बताऊंगा क्यों है ठीक है ना, इसको मैं भी हटा देता हूँ ठीक है ना। एंड हमने यहाँ पर सर्च वाले पेज पर पुश करा दिया, सर्च पेज हम एक बनाएंगे अभी ठीक है ना, उसमें क्वेरी सेंड कर दी सर्च इनपुट वैल्यू जो भी हमने, जैसे हमने वुमेन वियर सर्च किया कुछ भी सर्च किया ना फ्रेंड्स, तो वो आ जाएगा ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका मतलब जो हमने ये सेंड किया ना इसका भी मतलब बताऊंगा। देखो इसको तो समझ में आ गया आपको, जो हमने रिस्पॉन्स डेटा आया उसको मैंने सेव करा लिया और इसकी इनपुट वैल्यू भी सेव करानी है ठीक है ना, इसका काम इतना है ठीक है ना। अब हमारा काम आता है, ये बंद करेंगे, ऐप में आएंगे न्यू फोल्डर सर्च नाम से, न्यू फाइल पेज डॉट जे एस एक्स ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब मैं आपको, एक पेज था मेरा सर्च वाला ये रहा, मैंने कंप्लीटली पेस्ट कर दिया ठीक है ना। चलिए अब देखिए मैं आपको एक करके समझाता हूँ, उसको यूज क्लाइंट तो बनाना ही पड़ेगा हमको क्योंकि हम इसमें स्टेट यूज कर रहे हैं, फंक्शंस यूज कर रहे हैं। जैसे हमने लिस्ट, जैसे हमने ये पेज बनाए थे ना ये वाले पेज, सेम टू सेम हमारा सर्च का पेज है, उसमें कुछ नहीं करना हमको। देखिए ये सर्च का पेज हमको, तो हमने क्या काम किया सब कुछ देखिए सेम ही था, ये भी हमने लिया था, ये भी हमने लिया था ठीक है ना, ये भी हमने लिया था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब जैसे ही हम सर्च पेज पर आएंगे ठीक है ना, मान लो हम सर्च पेज पर कैसे आएंगे, मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया जो भी है ठीक है ना, मैं जैसे सर्च करूंगा वो सर्च पेज पर आएगा जाएगा ठीक है ना। तो जाएगा तो उसको डेटा तो चाहिए ना, इसके अंदर इसमें डेटा चाहिए ना, तो वो डेटा कहाँ से आ रहा है, मैंने ऑलरेडी इसे क्लिक किया था तो यहाँ पर वो सेव हो रहा था, आपको तो पता ही है मैंने यहाँ पर सेव करा लिया था। देखिए जब हम आइकन पर क्लिक कर रहे थे जो डेटा हमारा आया था वो हमने यहाँ पर सेव करा लिया था इसमें सर्च डेटा में ठीक है ना। तो जैसे ही हम सर्च पेज पर आएंगे ना वो यहाँ पर कॉन्टेक्ट डॉट सर्च डेटा वो दोनों में आ जाएगा, बस इतना करना था हमको समझे। और बाकी फंक्शनैलिटी बाकी अपनी चली रही है, देखिए कुछ नहीं करना और ठीक है ना। मैं आपको देख के इसका दिखाता हूँ, मैं रिफ्रेश एक बार यहाँ पर जाके रिफ्रेश कर दूंगा। अब मैं जाऊंगा फ्रेश, मैं जाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैंने एप्पल सर्च किया, मैंने क्लिक किया, देखिए ये पता क्यों नहीं देखिए गया, और ये सर्च पेज हमारा रेडी है, कुछ नहीं करना था इसमें समझे ना। ये सर्च पेज सारे हमारे एप्पल से रिलेटेड सारे वैल्यू आ गई है। अब देखिए एक चीज और, मैं अगर यहाँ पे सर्च कर लूंगा गुड ठीक है ना, दोबारा अगर मैं सर्च करूंगा ना तो देखिए ये सर्च पेज पे ही है ठीक है ना, आप समझ रहे हैं बात को। इसलिए मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक बनाया था, ब्लैंक पेज, कि पहले वहां पर रेंडर हो फिर वहां पर रेंडर हो समझे ना। तो मेरे को देखिए मैं आपको बताता हूँ क्यों मैंने ऐसा किया था, ब्लैंक में ठीक है ना, एंड सिर्फ रेंडर कराने के लिए था, फोल्डर ब्लैंक पेज ओके, एंड यहां पर रिटर्न डिव, यहां हम कर देंगे दोस्तों ठीक है ना, यहां पर हम एक स्टाइल लगाएंगे हाइट है 600px ठीक है ना। इसलिए मैंने यहां पर ब्लैंक लगाया था कि पहले वो ब्लैंक पे जाए फिर सर्च पे आए। देखिए मैंने यहां पर होम पेज पे आऊंगा, मैं रिफ्रेश कर दूंगा, देखिए मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉनिक सर्च किया, मैंने एप्पल ओके, ये एप्पल आ चुका, आएगा भी देखिए, अच्छा ये रिफ्रेश हो गया दोबारा, इलेक्ट्रॉनिक्स में एप्पल मैंने सर्च किया ठीक है, एंड ये एप्पल के डेटा वो सारे आ गए। मैंने दोबारा सर्च किया गुड ठीक है ना, तो मैंने जैसे किया वो ब्लैंक पे गया पहले ठीक है ना, एंड वहां से लेके आएगा, एक मिनट ठीक है वो, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको, गुड सही तो था, अच्छा ओके ओके। ये क्या था, मैं ना इधर इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्च कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक पर गुड तो है ही नहीं, एंड मैं यहाँ पर सर्च करूंगा ना ग्रोसरीज में गुड, तो देखिए सर्च में हमारा डेटा देगा, एक मिनट दोबारा देखो चेक करके ना, मैं इसमें जाऊंगा गुड सर्च करा मैंने,
देखिए गुड वाले प्रोडक्ट आ चुके हैं, एंड मैं दोबारा फैशन को सिलेक्ट करूंगा, एप्पल ये ब्लैंक पे गया, ये ब्लैंक पे गया पहले, फिर ये यहां पर कुछ नहीं हुआ, यानी कुछ तो हुआ ये, क्या कुछ एरर आया क्या? कुछ तो एरर है, देखिए जरा क्या एरर दिया है, वार्निंग, वार्निंग एरर तो कुछ है नहीं, तो ये क्यों आया एप्पल? अच्छा देखिए फैशन में क्योंकि एप्पल है नहीं, समझे ना, तो ये सही था हमारा, तो मैं दोबारा इलेक्ट्रॉनिक्स में आऊंगा, मैं दोबारा इसको सर्च करूंगा एप्पल, तो देखिए दोबारा एप्पल आ चुके हैं। अब मैं दोबारा ग्रोसरीज में जाऊंगा, मैं यहाँ पर गुड़ सर्च करूंगा, ठीक है ना, तो देखिए आ चुका है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये ठीक है बिल्कुल। एंड अगर मैं ऑल पे कर दूंगा, एंड मैं यहाँ पर कुछ भी अगर मैं ए सर्च करा ना ए, तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स कि ये ए से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है ना जिसमें ए कीवर्ड आ रहा है हमारा, वो सब ले आएगा, देखिए ए सब में आ रहा है, समझ रहे ना। एंड अगर मैंने ऑलरेडी ये सर्च करूंगा बी ओ एम बी ई आर, बी ओ एम बी ई आर, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये आया, समझे ना, इसको ना दो बार क्लिक करने की जरूरत पड़ रही है हमको, देखिए ना, अगर मैं यहाँ पर देखिए मैंने एक बार क्लिक करूंगा, एक बार क्लिक किया मैंने बस, वो अभी आया फिर दोबारा, है ना, ये इस टाइम सर्च पेज पे ही है, मैं दोबारा क्लिक करूंगा ना जब डेटा आएगा, क्यों इसको थोड़ा बढ़ा दो, समझे ना, होम पेज पे आए, मैं यहां से बी ओ एम बी ई आर, एक मिनट जस्ट, ये हमारा कुछ इशू की वजह से बंद हो गया, इसको रन होने दो पहले ना, ये रन हो जाए हमारा, फिर देखते हैं। ये रन हो चुका हमारा, ठीक है ना, एंड इसको हम दोबारा मैं रिफ्रेश कर दूंगा, ये हमारा आ चुका है। अब मैं यहां पर एप्पल सर्च करता हूँ, तो देखिए अब एक बार में आ रहा डेटा ना, अब मैं यहां पर गुड सर्च करूंगा, तो देखिए एक बार में डेटा आ रहा है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ये डिले कर दिया, ये बहुत तेज चल रहा था, ठीक है, तो इसलिए वो डेटा ला नहीं पा रहा था। अब मैं दोबारा सर्च करता हूँ बॉम्बर, देखिए अभी एक बार डेटा आ रहा है, ठीक है ना, वुमेन, देखिए वुमेन, ओके, अगर मैं यहाँ पर एप्पल सर्च करता हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये सब कुछ प्राइस भी वर्किंग है, देखिए समझे ना, तो हमें कुछ नहीं करना था इसमें, बस इजी था काम सारा, है ना। तो फ्रेंड्स हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आइए ठीक है ना, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड कमेंट में बताएं कि आपको ये प्लेलिस्ट कैसी लग रही है, ओके, ठीक है ना, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से नेक्स्ट ईयर सीखें, ये हम नेक्स्ट ईयर 14 में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना, आने वाली वीडियोस में हम इसका साइन करेंगे, साइन अप करेंगे विद नेक्स्ट जीएस, ओके फ्रेंड्स, फिर इसका एड टू कार्ड भी रह गया है अभी, ओके, रिस्पॉन्सिव तो ऑलरेडी ये है, क्योंकि हमने इसका रिस्पॉन्सिव तो पहले ही ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है ना, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, रिफ्रेश करूंगा, देखिए फ्रेंड्स ये कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव है, ये एक मिनट, यहां मेरा कुछ इशू हुआ है, हाँ ये थोड़ा चल जाए, क्योंकि किसी इशू की वजह से नहीं ये बंद हो जाता है, जो हमारा एपीआई से डिले आता है ना थोड़ा सा, इसलिए देखिए मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है फ्रेंड, देखिए कंप्लीटली हमारा ये रिस्पॉन्सिव है, देखिए ठीक है ना, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, ठीक है ना, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मैं चाहता हूँ कि आप भी अच्छे से रिएक्ट जीएस एंड नेक्स्ट जीएस सीख पाए, ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा ना थोड़ा सा जब एपीआई से डिले आता है ना, तो ये इसलिए बंद हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये कोई इशू नहीं है, आप इसको ना हैंडल कर सकते हैं इजिली, ठीक है ना, ये ज्यादा नहीं डी होता वैसे, ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स, ठीक है ना, चलिए थैंक यू वेरी मच।